हेलो बच्चों, वेलकम टू पत्रिका टॉक्स। इस वेबसाइट को आप सभी जानते होंगे। इसी वेबसाइट पर जो आपका जो 21 न्यू सैनिक स्कूल है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब भी हम ई काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेज लोड होता है, और जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये एक मैसेज आता है। ये मैसेज आपने बार बार पढ़ा होगा, और इस मैसेज को देख के जो है आप भी जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इन्होंने लिखा था कि 2 तारीख से जो है आपका 2 अप्रैल से जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था और ये 7 अप्रैल तक चलना था, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ। तो छोटी सी अपडेट है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आप क्लिक करना। ओके, आप ये सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारी डेट जो है हटा दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये जो डेट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, इसको जो है ये वापस चेंज करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों से मेरी यही बात हो रही थी और बच्चे भी यही कह रहे थे कि सर क्या अब आगे क्या होगा। तो मैंने उनको ये कहा था कि अब जो है डेट चेंज हो सकती है, क्योंकि जो है उनका टाइम पीरियड था 2 से 7 तारीख का, वो तो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब इनकी तैयारी पूरी है नहीं, और ये जो है और टाइम लगेगा इसको प्रोसेसिंग होने में। इसीलिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे जस्ट इसके सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारी जो है डेट्स मेंशन थी कि 2 तारीख को ये होगा, 7 तारीख को ये होगा, 10 तारीख को ये होगा, 18 तारीख, 17 तारीख, सारी जो है डेट मेंशन थी। और पर अब जो है इनको जो है सारी डेट्स को चेंजेस करना पड़ा, क्योंकि जो इनका टाइम शेड्यूल था उस पर जो है ये अपना काम पूरा कर नहीं पाए, इसके कारण जो है लेट हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे जिनका डाउट था कि सर अब 21 नए सैनिक स्कूल का क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, या फिर हमें कुछ बच्चों ने तो ये भी कहा कि सर क्या ये अप्रैल फुल तो नहीं बना रहे, नहीं ऐसा नहीं, अप्रैल फुल बनाने वाली बात नहीं है, लेट जरूर हो रहा है। मैं खुद भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखिए, इसका मतलब इन्होंने डेट्स यहाँ से रिमूव की, इसका तो यही मतलब है कि डेट चेंज हो सकती है, और यही मैंने आपको जो है बात बोली थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।